हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि सरकार। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ विशुभ। सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का ब्लॉग में मैं आपको अपना हिमाचल वाला घर दिखाऊंगी, घर के आसपास सामने का व्यू, घर का व्यू सब कुछ दिखाऊंगी, और मैं घर में इवनिंग कैसे स्पेंड करना पसंद करती हूँ वो दिखाऊंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि घर पर मैं थोड़ा सा काम, थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई, थोड़ी सी सासू माँ की हेल्प, और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ नेचर के साथ। मतलब सब कुछ, मैं ऐसी इंसान हूँ जो मिट्टी से जुड़ा रहना बहुत पसंद करती है। पेड़ पौधे, तितलियाँ, झरने, किसको नहीं पसंद है, राइट? तो हिमाचल तो है ही देवभूमि, बहुत नेचर के बीचों बीच आने के बाद बस घुल जाओ उसमें। सो मैं ये अपने घर के पीछे वाले गार्डन में हूँ। मम्मी ने इसमें बहुत सारे सरसों, साग, मिर्ची, टमाटर, पुदीना, मतलब हमेशा ये जगह ना हरियाली रहती है। मेरी मम्मी कुछ ना कुछ उगाती रहती है यहाँ पे। तो जब मैं इवनिंग में आई बाहर, मेरी बेटी सो रही थी, तो मैंने चलो सोचा कि चलो सासू माँ की थोड़ी हेल्प कर दे। तो बाहर आई तो वो अकेली लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो हेल्प कर देते हैं। तो जो हमारे सरसों पक चुके थे, मैंने और मम्मी ने मिल के उसको कट किया, क्योंकि सरसों अभी सूख गए थे, सरसों निकालने थे, तो हमने ये निकाल दिया। आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इसके बाद मैं थोड़ी सी घर की सफाई करूंगी, और मैं अपने घर का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे घर के सामने का कैसा व्यू है। हरियाली, गेहूं लगे हुए हैं, मतलब आप घर पे हो या घर के छत पे हो, दूर दूर तक आपको सिर्फ गेहूं का खेत दिखाई दे रहा है। उसमें पहाड़, एंड में पहाड़ और पहाड़ के बीच में बर्फ़ दिखाई दे रहा है। सो ये सब है मेरे व्यू में। अभी मेरी बेटी सो रही है, तो मैंने बेटी को ना सुबह ही कह दिया था कि हाँ बेटा, आज इवनिंग में हम पीछे चलेंगे, गाय के पास चलेंगे और खेत में जाएंगे। ये देखिए इतनी हरियाली है यहाँ पे। ये देखिए पुदीना, पूरा पुदीना फैल रखा है। ये जो साइड में देख रहे हैं ना आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पूरा पुदीना फैल रखा है। ये है मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी। तो ये मेरी सासू माँ ने चॉप किया है, और वो जो मम्मी समेट रही थी वो मैंने किया है। सो ये है मेरे घर का आंगन। आप ये झाड़ू देख रहे हैं, ये झाड़ू थोड़ा अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि ये जो सरसों है ना, सरसों का जब मतलब सरसों झाड़ने के बाद जो उसकी डंडियाँ बचती है, उस डंडियों को बंडल करके ये झाड़ू बनाया गया है। तो ये ऑलमोस्ट सब घर में मिल जाएगा। तो जल्दी से साफ़ सफ़ाई करने के बाद मुझे अपनी बेटी को उठाना है। एक्चुअली मैंने उसे मॉर्निंग में ही कह दिया था कि हाँ बेटा, आज हम इवनिंग में गाय के पास चलेंगे, खेत में जाएंगे। तो वो भी सुबह से बहुत एक्साइटेड है, वो उठते ही बोलेगी कि हाँ प्लीज़ मुझे ले चलो, खेत में ले चलो। सो नेक्स्ट मैं आपको अपने मेन गेट के बाहर का व्यू दिखाऊँगी। अभी ना मैं अपना आंगन झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि आंगन के बीचों बीच ना एक बड़ा सा आम का पेड़ है, तो पत्ते गिरते रहते हैं, तो सुबह शाम झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो पत्ते हर जगह बस फैले रहते हैं। तो बत्ती जलाने से पहले, मतलब संध्या बत्ती जलाने से पहले, पूजा करने से पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, और फिर बाद में इवनिंग स्पेंड करने के बाद पूजा करते हैं। तो ये रहा मेरा घर के बाहर का व्यू। लोगों देखो, उठ चुकी है और बस वो शायद सपाटा कर रही है। कभी चलो चलो कदम इसको भी हटा दो, ये बैठा हुआ है, देखो वहाँ पे बैठा हुआ है, चलते रहो आप, कोई बात नहीं, चलो। कहाँ डरना है, देखो क्या डरना है आपको, अपने खेत में वाला कोई डरता है, चलो। ये रहा अपना घर। कहाँ पे बेटा? कहाँ ईगल? यस ईगल। चलो ओ उठो उठो, वेरी गुड। चलो मामा, किस तरफ, विच वे, किस तरफ? हाँ चलो चलो चलो। क्या हुआ, क्या हुआ? फ्लाइज है। चलो मुझे बहुत डर लग रहा
बहुत डर लग रहा है। अरे डरना नहीं है दुगु, यू आर ब्रेव गर्ल। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये चिड़िया बन गया। हाय बोल दो। हाय, आई एम हैविंग फन, बोल दो। आई एम हैविंग फन। चलो। अरे ट्री ट्री, क्या सा ट्री है वैसे, दिखा दे। चलो बस मुड़ जाए भी पीछे। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हो आप, देखो जरा। दुगु बोली यहाँ पे रेस्ट करना है। हो रही पहाड़, पहाड़ पे बर्फ। इतको बेटा चलो मस्कीटोज आ जाएंगे। चलो बेटा चलो 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 मामा। ऐसे नेक में, नेक में ऐसे टच करो। सो दोस्तों, आपने हमारा घर का फ्रंट व्यू देखा, जहाँ गेहूँ लगे थे, पहाड़ थे। और ये जो व्यू है, ये हमारे घर के पीछे का व्यू है। यहाँ पे दो बछड़ियाँ बंधी हैं, मतलब काउ काल्फ। ये हमारे पड़ोसी की हैं। सो हम एवरी इवनिंग जब भी हम घर पे रहते हैं, हम इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसे शेयर करना ना भूलें। ये शेयर करें उन सबको जो नेचर लवर हैं, जो विलेज लाइफ पसंद करते हैं, पीसफुली जीना में बिलीव करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। और बस यही कहना चाहूँगी कि मिट्टी से जुड़े रहें, खुश रहें और खुशियाँ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। किसी कर दो हगी। नेक में टच करो, नेक में।